जय भोलेनाथ साथियों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक घर पर ही 5 मिनट में बन जाने वाली हलवाई जैसी एकदम स्वादिष्ट मिठाई, जिसको आपके घर में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, बड़ों तक सभी लोग पसंद करेंगे। और इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, आप पहली बार भी अगर बना रहे हो तो ईजिली बना सकते हो और ये सब कुछ बन जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो इसके लिए हमको क्या करना है, जब हम मलाई से घी निकालते हैं तो वो जो मोमन, वो जो खोआ बसता है, उसका हमको यूज़ करना है। तो जब आप मलाई से घी निकालो ना, तो घी निकालने के बाद अलग रख देना और उस खोवे को एक बर्तन में लेकर अलग रख देना। और वो जो कढ़ाई है जिसमें आपने भी घी निकाला था, उसी कढ़ाई में एक कटोरी आटा लेकर अच्छे से स्लो गैस पर भून लीजिए। जब आटा भुनने लगेगा तो उसमें से खुशबू आ जाएगी और उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तब उस आटे को प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दीजिए। उसके बाद उसी कढ़ाई में एक कटोरी पानी ले लीजिए। जैसे आपने एक कटोरी आटा लिया था तो आपको एक कटोरी ही पानी लेना है और उसमें डाल दीजिए 2 कटोरी चीनी। ठीक है, चीनी को आप थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हो अपने हिसाब से। और इसमें आपको जब ये चीनी जब आप डाल दो ना, तो आपको ये अच्छे से चलाना है और इसकी एक चाशनी बनानी है। और उस चाशनी में आपको पीस कर इलायची पाउडर भी मिलाना है। और ये चाशनी जब बन जाए, चीनी जब अच्छे से घुल जाए ना, तब उसका आपको एक तार लेना है। इलायची पाउडर के अलावा आप इसमें और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर सकते हो, लेकिन इलायची पाउडर अगर आप चाशनी बनाते में ही ऐड कर दोगे ना, तो ये पूरी की पूरी मिठाई में अच्छे से ऐड हो जाएगा। और जब चीनी घुलने लगेगी तो उसमें ऐसे झाग जैसे उठने लगेंगे, तो घबराना मत, टेंशन की कोई बात नहीं है। इसको अच्छे से चलाते रहना। और जब इसमें एक तार की चाशनी बन जाए ना, मतलब एक तार को हम कैसे देखते हैं कि जब हम चाशनी को थोड़ा सा ठंडा करते हैं और जब हम ऐसे 2 उंगलियों के बीच में चाशनी को लेकर चिपका कर देखते हैं, तो एक तार बनना चाहिए अच्छे से। तो जब आपकी एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो जाए, तब आपने वो जो खोवा निकाला था ना, भी मलाई से घी निकालने के बाद, उसको इसमें डाल देना है। गैस को ऑन कर देना है फिर से, और वो जो भी आटा भुना था ना, उसको भी आपको डाल के अच्छे से चलाना है। ये सब कुछ जब अच्छे से मैश हो जाए, एक गाढ़ा बिल्कुल टेक्सचर जैसा एक डो सा बन जाएगा, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा। इसको चलाते रहना अच्छे से जब तक ये बिल्कुल एकदम टाइट ना हो जाए। टाइट इन द सेंस मतलब ये बंद जाएगा बिल्कुल अच्छे से। हलवे से थोड़ी टाइट कंसिस्टेंसी रखनी है आपको इसकी। और उसके बाद फिर एक थाली में इस तरीके से ना घी लगा लेना चारों तरफ अच्छे से, और ये जो हमारा बैटर है इसको उस थाली में अच्छे से फैला लेना और थोड़ी सी मोटी लेयर रखना। अगर मोटी लेयर रखोगे तो इसकी जो बर्फी है वो अच्छे से कट कर निकल जाएंगी। तो मेरी लेयर थोड़ी सी पतली हो गई थी, लेकिन आपको थोड़ी सी मोटी लेयर रखनी है। फिर जब इसको आप ना थाली में अच्छे से सेट कर दो, तो इसको ना आप फ्रीज़ में लगा देना 2 घंटे के लिए, जिससे कि ये ना अच्छे से ठंडा होके और सेट हो जाएगा। और इसको आप ऊपर से ना खूब सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के गार्निश कर सकते हो। ड्राई फ्रूट्स आपका जो भी मन करे, आप इसमें गोला भी ना कद्दूकस करके डाल सकते हो, ड्राई वाला जो होता है। मुझे तो गोला पसंद नहीं है बिल्कुल, इसलिए मैंने गोला नहीं डाला। तो मैंने इसमें बादाम, पिस्ता और इलायची और किशमिश ही डाला था, क्योंकि मेरे पास अभी यही अवेलेबल था। और इसको अभी ना फ्रिज में रखने से पहले ही आप हल्का हल्का सा ना चाकू से कतरी वाले उसमें काट देना, जिससे कि जब भी ठंडा होगा तो एकदम से ऐसा ना हो कि काटने में प्रॉब्लम हो। तो एक एक बार अभी काट लेना फ्रिज में रखने से पहले, और फिर जब फ्रिज में 2 घंटे रखकर आप निकालोगे ना, तब इसी उस पे जिस पे ये जो काटने का निशान बना होगा, इसी पे आप फिर से काटना। और अच्छे से ये वाली कतरी ना जम जाएंगी फ्रिज में रखे, तो आप इजीली इनको निकाल के और सर्व कर सकते हैं। खुद भी खा सकते हैं, अपने गेस्ट को भी खिला सकते हैं। मेरे यहाँ तो ना जिस दिन ये मैंने बनाई थी, उस दिन जो गेस्ट आए थे, मैंने सर्व करी और ये सारी की सारी उसी दिन उठ गई। सबको इतनी पसंद आई कि सबने 3-3, 4-4 कतरियाँ खा लीं, और जिस दिन बनाई थी उसी दिन ख़त्म हो गई। तो मुझे लगा कि इसकी वीडियो आप सब लोगों तक ज़रूर पहुँचानी चाहिए, जिससे कि आप लोग भी ना बना सको। क्योंकि ये घर में ही रह के बिल्कुल फ्री में एक हलवाई जैसी मिठाई बनाने का फॉर्मूला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को ऑल पे